अभी गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम प्रद्युम की हत्या का मामला सुलझा भी नहीं था कि एक और स्कूल की शर्मनाक हरकत सामने आई है। आपको बता दें, एक टीचर ने एक मासूम बच्चे को ऐसा थप्पड़ जड़ा कि उस बच्चे की आंख की रोशनी चली गई। मामला मुजफ्फरनगर के शार्डिन स्कूल का है, जहां सफान नाम का मासूम छात्र 5वीं क्लास में पढ़ता है। अगर आप कसूर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सफान का कसूर बस इतना था कि वो बगैर टीचर से पूछे अपने दोस्त की टेबल के पास चला गया था, जिसके बाद उस टीचर ने इस बच्चे को ऐसा थप्पड़ जड़ा कि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। इस घटना से आहत सफान के पिता ने आरोपी टीचर और शार्डिन स्कूल प्रशासन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल आरोप पर शार्डिन स्कूल की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।